हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं प्रूफ के साथ बात करने वाला हूँ। कंटोरा विजन या कोई दूसरी लेजर सर्जरी करवाने के बाद क्या रेलवे एएलपी का मेडिकल है जो क्लियर हो जाता है? जी हाँ, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल या कुछ डॉक्टर ये दावा करते हैं, ये 100% कहते हैं कि आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है मैं प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना एक सेकेंड भी स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। सो बिगेन। देखिए, रेलवे एएलपी के मेडिकल के नाम पर कहीं आपको गुमराह तो नहीं किया जा रहा? जी हाँ, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर ने एएलपी के मेडिकल के लिए कंटोरा विजन सर्जरी करवाई थी और अभी कुछ दिन पहले ही उसका मेडिकल हुआ है। तो कल ही उसका मेरे पास फोन आया था, तो उसकी और मेरी बातचीत का ये रिकॉर्डिंग है जो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। इसमें आपको पता लग जाएगा जो मेडिकल क्लियर होने के दावे किए जा रहे हैं वो कितने परसेंट सही है। जी हाँ, कंटोरा विजन जो है 100% ये कोई नहीं कह सकता कि डिटेक्ट नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है कि आराम से डॉक्टर ने अपने एक्सपीरियंस की वजह से बता दिया कि तुमने लसित करवाया है। अच्छा, किस चीज का मेडिकल था भाई आपका? भाई वो रेलवे का था। अच्छा, कब हुआ था? अभी 3 दिन पहले हुआ था और मुझे लसिक का 5 महीने हो गया। अच्छा, अभी मैं 3 दिन पहले मेरा मेडिकल था। अच्छा अच्छा, कौन सा लेजर करवाया था आपने? मैंने कंटोरा विजन कराया था। अच्छा, कंटोरा विजन करवाया था। 5 महीने पहले कितना नंबर था भाई आपका? भाई मेरा तो उस टाइम था 6/12 था दोनों आंखों में। अच्छा, अभी तो 6/6 हो गया। अच्छा, विजन तो 6/6 हो गया, करेक्ट हो जाता है। अच्छा, विजन तो करेक्ट हो जाता है। हाँ हाँ, लेकिन अगर तुम्हारा अगर पकड़ा जाएगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा। मैं इसलिए कराया था कि मुझे विजन करेक्ट नहीं करना था, मुझे मेडिकल पास करना था। जी जी, मुझे चश्मा लगाने कोई दिक्कत नहीं थी, मैं चश्मा आराम से लगाता था। हाँ, लेकिन जैसे जॉब थी वैसे वो उसने बोला था कि बिना चश्मा चाहिए, करवा लिया था। इसलिए करवा लिया था कि मैं मेडिकल पास कर लूँ, लेकिन आराम से डिटेक्ट हो गया भाई। अच्छा, कौन कौन से टेस्ट करे थे भाई वहाँ एएलपी में आपके? भाई सर, एक टेस्ट हुआ था, पहला जो हुआ था वो था कलर ब्लाइंडनेस का, बुकलेट पढ़ाया गया था। अच्छा, उसके बाद सी रोटेशन दिखाया गया था, सी रोटेट कर दिया जा रहा था, बताना था। अच्छा हाँ, एक फिर उसके बाद बाइनोक्युलर टेस्ट हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद जो है भेजा गया नंबर के लिए कि आप जाइए देखिए कितना नंबर आया। वहाँ भी मेरा ऑटो रिसेप्टिव मशीन जो थी, अच्छा, और प्रेशर मशीन, आई प्रेशर चेक करने वाली मशीन, दोनों ने मेरा सही रिपोर्ट दिया। अच्छा, उस मशीन रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे दोबारा पढ़ाया गया लेंस से, बिना लेंस के पढ़ाया गया, डिस्टेंस से, वो भी मेरा सही था। अच्छा, उसके बाद मेरा था स्टील टेस्ट और फंडस टेस्ट। अच्छा, स्टील लैम टेस्ट में मैं जब गया वहीं पे सब प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, वहीं प्रॉब्लम सब आ गई भाई। और जैसे नॉर्मल कैंडिडेट था जो जिसने कभी लेके कुछ नहीं कराया था, तो यार उसका डॉक्टर 2 सेकंड में ही उसको देख के छोड़ देता था कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन भाई मैं तो करवाया था। अच्छा, तो मैं जब बैठा तो डॉक्टर को 5 मिनट लगे मेरे आँख को देखने में। अच्छा, मतलब उसने बिल्कुल अच्छे से बारीकी से चेक किया, फिर मतलब कुछ ना कुछ उसको ऐसा दिखाई दिया होगा स्लिट लैंप से जिससे उसे डाउट हुआ है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं वो जब मुझे लगा कि यार ये चीज ज्यादा समय लग रहा है तो मैं अपनी बार बार आंखें बंद करने लगा। हाँ हाँ, उसको कम से कम दिखे। हाँ हाँ, लेकिन भाई वो खुलवा रहा था कि खोले खुले रखो खुले रखो। भाई आराम से देखा, फिर स्टील का टॉर्च ऑन करके देखा। अच्छा, फिर ऑफ किया। अच्छा, फिर ऑन किया। ओके, 5 मिनट लगाया, फिर बैठाया। अच्छा, और मेरे साथ ग्रुप में थे तो भाई ये एक अच्छी बात थी कि उसने ग्रुप में नहीं बोला, सबके सामने नहीं बोला। अच्छा, तो पर्सनली उसने फिर पूछा मुझसे कि कब कराया, इसने ये नहीं पूछा मेरे से आपने लसीक कराया है कि नहीं। अच्छा, मुझसे ये पूछा कि तुमने लेजर कब कराया। बहुत गड़बड़ हुआ भाई मेरे साथ। अच्छा, समझ लो कि मेडिकल में अनफिट हो गया, उसने रिपोर्ट में
अच्छा लिख दिया कि इसने लेवर ऑपरेशन कराया है। अब वो रेलवे की रिपोर्ट में चली जाएगी, रेलवे कंप्लीट करेगा वो जो करेगा वो रिपोर्ट भी मेंशन होगा। अच्छा तो आप पे कोई एक्शन भी लिया जा सकता है क्योंकि रेलवे क्योंकि उनके नोटिफिकेशन में मेंशन करता है ना कि लेजर सर्जरी अलाउड नहीं है। और मैंने जहाँ तक पता किया कि मेरे साथ जो रेलवे बोर्ड भी है ये भी कर रहा है, वेट टेस्ट कर रहा है, 2-3 दिन जो मेडिकल लगा उसने भी लिया है, ये टेस्ट लिया है। अच्छा मैं तो हालांकि मैं बरेली वाले में गया था, बरेली के इज्जत नगर हॉस्पिटल में। अच्छा वहाँ पे ये टेस्ट हुआ है। ओके ज्यादा हालांकि ज्यादा कैंडिडेट मेरे टच में नहीं है जो एलपी वाले हैं, तो मैं खोज रहा हूँ कि मिल जाए भाई उनका पूछ लूँ कि आगे आने वाले एग्जाम में भी अगर ये सब पकड़ा जाएगा तो इससे अच्छा तैयारी बंद कर दो फिर। बिल्कुल भाई बिल्कुल भाई, लेसिक करवा लिया इसको तो कोई हटा भी नहीं सकता। क्योंकि ये परमानेंट है भाई, ये रिवर्स नहीं किया जा सकता। करवाए थे किस काम के लिए, प्रॉब्लम किस काम की हो गई, सोचा था कि ये करवा लूंगा कोई दिक्कत नहीं होगी, डिटेक्ट नहीं होगा, डॉक्टर इतना कॉन्फिडेंस साथ बोल रहा है तो भाई नहीं होता होगा। बहुत बुरा हुआ भाई आपके साथ। चलो भाई अगर आपके और कोई टच में आपका फ्रेंड या मतलब कोई भी संपर्क में आए तो मुझे कॉल करके बता दीजिएगा भाई, ठीक है भाई? जानते हो नॉर्मल है, हालांकि तुम तो इस फील्ड से रिलेटेड भी जुड़े हुए हो, तुम्हारे पास तो ज्यादा कैंडिडेट तो हो जाएगी, देखना भाई बताना होगा। तो मैं तो इंडिविजुअल हूँ, अपने लिए करवा के अपना ही काम किया हूँ, हालांकि तुम्हें ज्यादा नॉलेज है, तुम तो ज्यादा जुड़े हो गए ना भाई एक्सपीरियंस, लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, तुम्हारे नॉलेज में डाल दिया भाई कि डिटेक्ट हुआ है, आराम से हुआ है। अच्छा देखिए अब आपको पता लग गया होगा रेलवे एएलपी के नाम पर कैसे लूट हो रही है, कैसे मेडिकल क्लियर होने के झूठे दावे किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो इस भाई के साथ हुआ है वो किसी दूसरे के साथ न हो पाए। जी हाँ, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। और इसी तरह की सही एवं स्पष्ट जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।